मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बज रहे हैं सुबह के 11 और मैंने हस्बैंड के टिफ़िन पैक कर दिया है। हस्बैंड फ्रेश होने गए हैं, उसके बाद नहा के ऑफिस जाएंगे। तो हस्बैंड एक बार आ जाते हैं फिर मैं आपसे उनको मिलवाती हूँ। तो जी, बज रहे हैं सुबह के 12:30, दोपहर के 12:30, और मैं बता दूँ कि हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत तेज़ फीवर चढ़ा हुआ है, इसीलिए आज वो ऑफिस नहीं जाएंगे। और थोड़ा सा मैं परेशान भी हो चुकी हूँ क्योंकि फीवर है, ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत होती है। तो अभी हम लोग दवा लेकर आए ही हैं, सुबह से बहुत भाग दौड़ मच गई है। तो अभी दवा लेकर आए, हस्बैंड खाई हस्बैंड दवा, और अभी वो फ़िलहाल सो रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, उनको आराम करने देते हैं और मिलते हैं कुछ देर में। तो बज रहे हैं दोपहर के 1 और आ चुकी है मेरी मेहंदी वाली स्टूडेंट, साथ साथ में मेरे मशीन में कपड़े भी चल रहे हैं। तो आज मैं देने वाली हूँ सर्टिफिकेट अपनी एक पुरानी स्टूडेंट का, तो आइए आपको सर्टिफिकेट दिखाते हैं। ये रहा मेरी एक मेहंदी वाली स्टूडेंट जिसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तहरीम फातिमा। ये उनका सर्टिफिकेट है जो आज उनको मिलेगा। और ये जो एक मेहंदी वाली है मेरी स्टूडेंट, ये अभी सीख रही है, उसको भी मिलेगा सर्टिफिकेट। तो फाइनली आज मैं सर्टिफिकेट दूंगी उसको। चलिए फिर अब मैं अपनी क्लासेस ख़त्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मेहंदी की क्लासेस मेरी हो चुकी हैं ख़त्म, और मैं बता दूँ मैंने सुबह से नाश्ता वाश्ता सब स्किप किया हुआ है, और जो पीछे आप इतने सारे कपड़े देख रहे हैं, इतनी सर्दी में मैंने धो के डाले क्योंकि कपड़े बहुत गंदे हो गए थे। और अब बज रहे हैं दोपहर के 2, आइए देखते हैं हस्बैंड क्या कर रहे हैं। 2:45 और हस्बैंड की हालत ये है, बहुत फीवर है, और बहुत फीवर है, हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अभी भी फीवर है। कैसा फील कर रहा हूँ, फीवर है, कुछ बोलने की हालत में नहीं है। तो चलिए मैं इनको पहले थोड़ा कुछ खिला पिला देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी फाइनली 3:30 बजे हस्बैंड उठ चुके हैं और तबीयत थोड़ी ठीक है। ठीक है, नो फीवर, तो अभी हस्बैंड खा रहे हैं चाय और बिस्किट, इनका फेवरेट पार्ले जी, और ये नमक पारे। तो आज आई थिंक ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं हो पाएगी, तो आज के लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी मैं, क्योंकि हस्बैंड घर पे हैं और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ा टाइम हस्बैंड के साथ ही स्पेंड करूँगी, तो मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में। रहे हैं 4:30 और हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए उनकी तबीयत और उनकी ज़बान दोनों सही करने के लिए, दोनों को अच्छा करने के लिए बन रहे हैं घर में आलू की टिक्की, आइए दिखाते हैं जी। ये बन रही है आलू की टिक्की, ये है उबले हुए और मसले हुए आलू, इसमें पड़ा है धनिया मिर्चा, प्याज, जीरा और नमक स्वाद अनुसार। तो अब हम लोग इसकी बनाएंगे टिक्की, तो जब टिक्की बनेगी तब मिलेंगे आपसे। ऑफिस से आए हैं पापा और लाए हैं मोमोज, तो हम लोग खाएंगे गरम गरम मोमोज, उसके बाद बनाएंगे आलू की टिक्की। बेसन और रवा ले लिया है फेंट के, इसमें हम लोगों ने डाला है इसी हल्का सा नमक, और अब बन रही है टिक्कियां जो बेसन में डुबो डुबो के ये इस गरम होते हुए तेल में डाली जाएंगी। तो चलिए आइए देखते हैं इसको तलने का प्रोसेस। बन चुकी है और बचे हुए बेसन से हम लोगों ने बना ली है प्याज वाली पकौड़ी, उसमें प्याज डाल के इंस्टेंट, और इसके साथ साथ जल रही है आग।
तो जी ये जल रही है आग और ये खा रहे हैं हम लोग पकौड़ियाँ सकौड़ियाँ, और ये बैठे हैं बीमार आदमी। बीमार आदमी, बीमार आदमी का ऐसे बोलने की ताकत नहीं है ब्लॉग में, लेकिन ऐसे पटर पटर बोलने की बहुत ताकत है। आधे घंटे से इंस्टेंट बोलते जा रहे हैं बिना रुके। हाँ भैया, मैं सुबह से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह के अंदर जाने नहीं। झूठ। टिक्की विक्की आलू की और पकौड़ी वकौड़ी खाने के बाद अब हम बैठे हैं एकदम फ्री होके अपना आग वाग लेके, क्योंकि ठंड तो हदों से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और मैं और हस्बैंड बैठे हुए हैं और मम्मा पापा गए हैं बगल में चाचा जी के घर। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बैठे हुए हैं और आया हुआ है हमारा यंगेस्ट देवर। फिलहाल वो मुँह दिखाने के मूड में नहीं है तो अभी उसको रहने देते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। बज रहे हैं रात के 8:30, तो आपसे मिलते हैं कुछ ही देर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। तो जी थोड़ी देर बैठने के बाद अब ये सर्दियों का मज़ा लेते हुए मैं और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं मूँगफलियाँ। मज़ा ही अलग है मूँगफलियों का। क्यों हस्बैंड, क्या गई आप सभी? ये आदमी सुबह बीमार था और अभी मूँगफलियाँ खा रहा है। ठीक है भाई, तबीयत सही हो गई है, बिकॉज़ कल ऑफिस भी जाना है। और खुजली भी हो रही है, खुजा खुजा के। खुजली है भाई, खुजली है। बीवी क्या बना रही हो? अरे मैं बना रही हूँ यीप्पी, क्योंकि अली आया ना तो मुझे थोड़ा यीप्पी खिला दे। अच्छा, वैसे हमने तोड़ के नहीं डाली आज, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हम ऐसे बनाते हैं, हमको ऐसी पसंद है। जैसी बना लो, खाने से मतलब होता है। अपन लोग कर्पूरिया लोग जैसे जैसे भी खाए बस खाना है अपन लोगों को। बात तो सही है कि नहीं? बात तो सही है। कैसे बन रही है? बहुत सही। तो जी यिप्पी यहाँ हमारी बन रही है, हस्बैंड से रहा नहीं गया तो वो आ गया पता करने। तो चलिए बैठते हैं यिप्पी खाने, उसके बाद आपसे मिलेंगे। जी ये मैगी बन चुकी है और अब होने जा रही है हम लोगों की मैगी पार्टी, जिसको हम लोग इंजॉय करेंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं मैगी खाने, मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में। सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? बीवी को दिखाने में ले आया, इतनी मोहब्बत इतना प्यार, लिटरली बहुत ज़्यादा प्यार करती है, केयर बहुत ज़्यादा करती है ये। मैंने सोचा था अपनी जैकेट में पॉलिश करूँगा फिर, बट उसके बावजूद इसने पॉलिश करना शुरू कर दी मेरे से पहले। मैं जब आया हूँ तो ये पॉलिश करनी करते हुए मुझे। बीबी क्या कर रही हो? नहीं, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए पॉलिश कर सकती है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं इनकी पॉलिश देख लेता हूँ पूरी। तो खाना पीना खाने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं अपने रूम में। टाइम हो रहा है 11:30 या 12, और हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी जैसे कि, तो ज़्यादा देर तक जागेंगे नहीं और अब हम लोग सो जाएंगे। तो हस्बैंड की सेवा करने के बाद, यानी जैकेट वैकेट पॉलिश करने के बाद, अब हम लोग चलते हैं नींद की तरफ। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। थोड़ी अगर एनर्जी की कमी रह गई हो तो दिल से माफ़ी। थका हुआ था यार, बहुत थका हुआ था और बहुत ही ज़्यादा, मतलब फीवर चढ़ने के बाद आप समझ सकते हो क्या होता है हालत इंसान। दिन भर पड़े रहे, ये 4 बजे या 5 बजे उठे, सुबह से कुछ भी नहीं खाया और शाम को बस चाय बिस्किट ही, जो आप लोगों ने देखा है थोड़ा बहुत खाया उन्होंने, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया है। थोड़ी सी मैगी मैंने बना के दे दी थी, बस खाना भी नहीं खाया है। तो बट स्टिल आई एम गुड, लाइफ है, फीवर होता रहता है। तो इसी के साथ हम लोग ये व्लॉग यहीं एंड करेंगे। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कल पूरी पूरी एनर्जी के साथ। टिल देन आज के लिए गुड नाइट, और टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल विच इज़ खुशनूर्स व्लॉग।